फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये है गोवर्धन चौराया। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इस बस का टिकट। आपको इन इको से जाना है तो आप इको से भी जा सकते हो और ये भी जाती है आगरा मथुरा। कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस वी जर्नी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो मैं अभी जो हूँ, मैं हूँ सराय काले खां के बस स्टैंड से बाहर। तो यहीं से ही बस आने वाली है। सामने आप देख सकते हो अंदर बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ और यहाँ से बस आने वाली है। फ्रेंड्स चलिए अब मैं बताता हूँ कि आज हमारी जर्नी कहाँ की होने वाली है। आज जो हमारी जर्नी होने और जिसमें कि हम दिल्ली से मथुरा, आप देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा है और इधर बस आप देख सकते हो बस लगी हुई है दिल्ली से जयपुर के लिए, लेकिन हमें जाना है मथुरा। कहाँ पर जा रही है? दिल्ली आगरा शायद मथुरा जा रही होगी। बस में बैठ चुके हैं और अभी बस चलती है तो फिर बताएंगे किस टाइम चली है और किराया कितना है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो अभी आप देख सकते हो अभी तो बस खाली है, देखते हैं अभी कितनी देर में चलेगी। वैसे बता रहे हैं जल्दी चलेगी तो उसके बाद बताते हैं सारी डिटेल। फ्रेंड्स वैसे तो ये भी आगरा मथुरा जा रही है लेकिन अभी रुकेगी थोड़ी देर के लिए। अब हमारी चल रही है गाड़ी, देख सकते हो दिल्ली से गुड़गांव के लिए ये बस चलती है। फ्रेंड्स गाड़ी हमारी चल रही है और टाइम हो गया है 3:24 यानी 3:30 मान लो। तो अब देखते हैं कि इसका कहीं स्टॉपेज होता है या नहीं होता और टिकट कितने का है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। जी हमारा पहला टोल है और यह है बदरपुर टोल। 4 बजे हम आए हैं बदरपुर बॉर्डर, तो अभी तो आधा घंटा हुआ है तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। स्टॉपेज देखते हैं होगा या नहीं होगा वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और अभी ज़्यादा बस भरी नहीं है, खाली चल रही है अभी ज़्यादा। तो जी बस भर चुकी है, 2-3 मिनट में काफ़ी सवारी आ गई इसमें। आपको इन इको से जाना है तो आप इको से भी जा सकते हो और ये भी जाती है आगरा मथुरा और ये जो बदरपुर बॉर्डर है उससे नीचे है तो यहाँ से आप जा सकते हो। और इसका शायद किराया 200 या 250 रुपये है। तो ये काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो इको एक ही लगी हुई आगे। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इस बस का टिकट जो कि रोडवेज बस का है और दिल्ली से मथुरा का कितने का टिकट है। फ्रेंड्स ये है इसका टिकट जो कि है सराय काले खां से गोवर्धन चौराया, 210 रुपये का टिकट है इसका जो कि रोडवेज बस का है। तो ये है इसका टिकट। और ये आप देख सकते हो यह है पलवल का बस स्टैंड। रिफ्रेशमेंट ब्रेक आ चुका है यानी कि थोड़ा कुछ खाना है खा लो और फ्रेश वगैरह होना है तो अपना वो कर लो। और वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि यार इसके अंदर ब्रेक मिलेगा लेकिन भैया ब्रेक मिल गया है और टाइम हो गया है 5:30 और ये रुकी है हमारी गाड़ी ओदल के पास रुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बसें लगी हुई है
और जो ढाबा है वो है अमन ढाबा और ये है हाईवे। ओ ये आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलेगी खाने को। तो ये बना हुआ है यहाँ पे जी, आप देख सक लो। मुझे उम्मीद लग नहीं रही थी कि गाड़ी रुकेगी क्योंकि 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो उसमें मुझे लग नहीं रहा था कि ये रुकेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये इस वजह से रुकी है क्योंकि ये आगरा जा रही है, तो आगरा का थोड़ा लंबा और लंबा थोड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है टाइम, तो इस वजह से रुकी है। तो रुक रहे हैं तो अपना थोड़ा मज़े ले रहे हैं। अब चलने वाली है थोड़ी देर में और उसके बाद मथुरा पहुँचेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कितना टाइम लगा। तो चलिए जी चलते हैं और बस हमारी चलने वाली है, तो अब करते हैं यहाँ से जर्नी आगे की कंटिन्यू। वैसे तो वैसे यहाँ पे ज़्यादातर लग रही है आ रही है जा रही है, बट अब हम जा रहे हैं। तो जी पीछे से तो वैसे सेम ही लगती है पर अपनी बस है ये वाली। आ चुके हैं हम मथुरा के, यानी हमें जो उतारा है ना वो उतारा है गोवर्धन चौराया, और टाइम हो गया है 7 बज गए। जो बस चली थी हमारी 3:30 बजे चली थी, और ये जो आप देख रहे हो ये है गोवर्धन चौराया। और बस अरे वीडियो जर्नी में मज़ा आया, और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।